नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और ये टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जनजातीय क्षेत्रों में मोती की खेती को बढ़ावा। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, चर्चा में बना हुआ है, तो आपको इसके विषय में पता होना बेहद आवश्यक है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसके विषय में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में ट्राइफेड अर्थात भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने आदिवासी क्षेत्रों में मोती की खेती को बढ़ावा देने के लिए झारखंड स्थित पूर्ति एग्रोटेक के साथ एक समझौता किया है। क्राइफेड के विषय में बात कर लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हिंदी में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ कहते हैं। यह राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यह वर्ष 1987 में अस्तित्व में आया था। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है और देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 13 क्षेत्रीय कार्यालयों का नेटवर्क है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी उत्पादों जैसे धातु शिल्प, आदिवासी वस्त्र आदि के विपणन व विकास के माध्यम से देश में आदिवासी लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करना है। यह मुख्य रूप से दो कार्य करता है, लघु वनोपज अर्थात MFP विकास एवं खुदरा विपणन। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जो टॉपिक न्यूज़ में बना हुआ है उसके विषय में, उसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले, समझौते के तहत विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अलावा पूर्ति एग्रोटेक द्वारा 141 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स के माध्यम से मोती बेचे जाएंगे। पूर्ति एग्रोटेक के केंद्र को वन धन विकास केंद्र क्लस्टर अर्थात VDVKC के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में मोती की खेती के लिए ऐसे 25 वन धन विकास केंद्र क्लस्टर विकसित करने की योजना है। वन धन विकास केंद्र क्लस्टर आदिवासियों को कौशल उन्नयन एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और प्राथमिक प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन सुविधाओं की स्थापना करते हैं। ट्राइफेड ने प्राकृतिक वन धन उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने के लिए ई किराना प्लेटफॉर्म बिग बास्केट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। सीपों का प्रजनन एवं मोतियों का विकास व्यवसाय की एक सतत विधि है और इसे प्रायः उन आदिवासियों द्वारा अभ्यास में लाया जा सकता है जिनकी आसपास के जल निकायों तक पहुंच है। यह आने वाले समय में आदिवासियों की आजीविका के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अब हम बात कर लेते हैं मोती की खेती के विषय में। तो मोती दुनिया में एकमात्र ऐसा रत्न है जो किसी जीवित प्राणी से प्राप्त होता है। सीप और मसल्स जैसे मोलस्क इन कीमती रत्नों का उत्पादन करते हैं। पर्ल सीप की खेती दुनिया के कई देशों में सुसंस्कृत मोतियों के उत्पादन के रूप में की जाती है। मीठे पानी के मोती को मसल्स का उपयोग करके खेतों में उगाया जाता है। चूंकि मसल्स ऑर्गेनिक होस्ट होते हैं, इसलिए मोती प्राकृतिक रूप से खारे पानी की सीपों की तुलना में 10 गुना बड़े हो सकते हैं और ताज़े पानी के मोती की चमक भी अधिक होती है। अब ये जो मोती की खेती को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है, इससे क्या लाभ होंगे ये भी जान लीजिए। यहाँ पर सबसे पहला लाभ ये होगा कि किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। भारत में किसानों की आय आमतौर पर जलवायु जैसे बाहरी कारकों पर निर्भर होती है और यह निर्भरता अक्सर उनको नुकसान पहुंचाती है, लेकिन दूसरी ओर मोती की खेती इन कारकों से पूरी तरह स्वतंत्र है और अधिक लाभ देती है। दूसरा जो लाभ है वो है पर्यावरण के अनुकूल। मोती की खेती पर्यावरण के अनुकूल है। यह मछली को रहने के लिए आवास प्रदान करती है जिससे प्रजातियों की विविधता में सुधार होता है। तीसरा लाभ है जल शोधन।
फिल्टर फीडर सीप भी जल को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। एक अकेला सीप एक दिन में 15 गैलन पानी को साफ करता है। यह जल में भारी धातुओं को एक जगह इकट्ठा करता है और हानिकारक प्रदूषकों को भी हटाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि मोती की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी पहले शुरू की गई हैं। तो मोती की खेती करने वाले किसान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अर्थात PMMSY के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मोती की खेती के दायरे को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालन विभाग ने इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु नीली क्रांति योजना में मोती पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे एक उपघटक के रूप में शामिल किया है। वीडियो के एंड में हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विषय में भी बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत विकास योजना है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के दौरान सभी राज्यों संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाना है। इस योजना पर अनुमानतः 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 20,050 करोड़ रुपए का निवेश मत्स्य क्षेत्र में होने वाला सबसे अधिक निवेश है। इसमें से लगभग 12,340 करोड़ रुपए का निवेश समुद्री अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में लाभार्थी केंद्रित गतिविधियों पर तथा 7,710 करोड़ रुपए का निवेश फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रस्तावित है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ जानने समझने और सीखने को मिला होगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सकता है, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय।